हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस ट्रिक्स में। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो एसएससी में ही पूछा जाता है, बैंक में ही पूछा जाता है, रेलवे में ही पूछा जाता है, या आप ये मान लें कि हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है। और ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जिससे बच्चे डरते हैं, जिसको करने से बच्चों के दिमाग में बहुत डर बैठा रहता है कि नहीं होगा यह हमसे। तो मैं आपको काफ़ी इजी ट्रिक से समझाऊंगा आपको। आप इसके अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली, अगर मेरी ट्रिक से आपने प्रैक्टिस कर ली, तो आप ये मान के चलिए कि आप इसके 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। कुछ 20% जो क्वेश्चन वो ट्रिक किया जाते हैं उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो उनको छोड़ना ज़्यादा बेहतर रहता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो पहले मैं आपको इसके बेसिक समझाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ट्राइंगल पे डिपेंड करता है। ट्रिग्नोमेट्री एक ट्राइंगल पे डिपेंड करता है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो केवल उसी ट्राइंगल में लगता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री है। ठीक है, अपन ट्राइंगल को नाम देते हैं ए बी सी। ये जो एंगल है इससे अपन कहते हैं थीटा, मतलब जिस जो बेस जो होता है उसको थीटा कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई ट्राइंगल कैसा है उसकी बात। अब ट्राइंगल्स की जो तीन साइडें हैं उनको क्या कहते हैं अपन, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं ये चीज, ये कहती है परपेंडिक्यूलर। ठीक है, जिसको अपन पी से डिनोट करते हैं। हिंदी में अपन इसको कहेंगे लंब। लंब यानी ले से डिनोट करते हैं। ठीक है, नीचे वाली जो लाइन है इसको कहते हैं बेस, जिसको अपन बी से डिनोट कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं हिंदी में आधार। ठीक है, और जो थर्ड साइड बची वो होती है हाइपोटेनियस, जिसको अपन एच से डिनोट करते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण, जिसको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंड करता है। जो बेसिक जो है ट्रिग्नोमेट्री का वो ये ट्राइंगल होता है। ठीक है, इसमें जो है एक थ्योरम जो है वो बहुत काम में आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो दूसरे टॉपिक की है पर मैं बता देता हूँ। हाइपोटेनियस जो है पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं अपन इसको, जिसमें ये होता है कि हाइपोटेनियस बड़ी वाली जो साइड है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और आधार के मतलब बेस के स्क्वायर के इक्वल, दोनों के सम के इक्वल होता है। तो यानी कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर को आधार के स्क्वायर से जोड़ने पर आता है। ठीक है, तो ये चीज एक हुई कि ये थ्योरम अपने काफी काम में आएगी, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। ठीक है, वैसे ये बेसिक में होता है ये, और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो होते हैं इसमें मेन जो है दो तरह के होते हैं एंगल होते हैं, साइन मतलब जिनको अपन कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री जिसमें बेस है वो है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन और कॉस मेन है, तो अपन पहले लिख लेते हैं एक बार। ये होते हैं छह तरह के। ठीक है, तो पहला हो गया साइन, दूसरा हो गया कॉस थीटा, और फिर आ गया टेन थीटा। अब इनके रिवर्स होते हैं, तो अपन को जो इसी सीक्वेंस से याद रखना है, साइन कॉस टेन, फिर आता है कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, तो अपन एक बार इसको बोलने का ट्रिक देख लेते हैं। अपन को हमेशा इसी सीक्वेंस से याद रखना है, ये अपने को आगे ही बहुत काम में आएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। इससे एक फायदा तो ये है कि साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, मतलब साइन का उल्टा होता है, एक बटा साइन जो है वो कॉस के बराबर होता है। ठीक है, तो अपन आगे देखते हैं। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये हो गया अपना ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं वो आती है रेशियो की। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं वो मैं बताता हूं आपको। ये जो अपने पास इसके जो साइन कॉस टेन है इनको एक रेशियो में बताया गया है, तो उसके लिए अपन ने क्या ट्रिक बना रखी है, इंग्लिश में तो बन रखी है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये ट्रिक बन गई। तो ये जो पहला जो है ये तो कहलाता है पी अपॉन एच, यानी ये हो गया साइन का, साइन थीटा का हो गया पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस। सेकंड वाला हो गया कॉस थीटा का,
और थर्ड वाला हो गया टेन थीटा का, ठीक है। तो ये हो गया साइन कॉस टेन, लेकिन जब रिवर्स चलते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा कॉट का, कॉट का हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा सेक थीटा का, और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का, ठीक है। तो ये तो इंग्लिश में ट्रिक, लेकिन हिंदी में भी एक ट्रिक होती है, उसको अपन कहते हैं लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का, ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक हुई लाल बटा कक्का, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसकी ट्रिक होगी लाल बटा कक्का हिंदी में। तो लाल बटा कक्का ये भी सिंपल, अपन साइन के लिए ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सैक, ये कॉसैक, ठीक है। तो अपन इससे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। तो साइन थीटा जो दे रखा है वो दे रखा है 3/5, तो 3/5 जो साइन थीटा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी पंडित, यानी साइन थीटा हो गया P/H, या हिंदी में लिख सकते हैं अपन इसको लंब अपॉन कर्ण। तो इसका एक डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा अपन यहां से देख रहे हैं, ये एबीसी ट्रायंगल हो गया, यहां से देख रहे हैं तो साइन थीटा जो है वो 3/5 है, तो परपेंडिकुलर ये होता है, ये 3 आ जाएगा और हाइपोटेनियस ये आ जाएगा। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं इसको, ये होता है h² = p² + b², ठीक है। तो h² यानी 5 का स्क्वायर ये आ जाएगा 25 प्लस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दिया हुआ है 3 का स्क्वायर 9, और बी निकालना है अपन को बी का स्क्वायर, तो 9 जाके इधर माइनस होके हो जाएगा 16 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो बी जो हुआ वो अपना कितना है 4, तो ये आ गया बी। अपन को निकालना क्या है अब इसमें, टेन थीटा, अपने पास ये तीनों वैल्यू आ गई, ये 5 है, ये 3 है, 4 है, अपन को निकालनी टेन। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है P/B, तो P/B यानी पी हो गया 3 और बी हो गया 4, तो 3/4 इसका आंसर है। काफी इजी है ये क्वेश्चन, आता है हर बार आता है लगभग, ये मान के चलिए, और आसानी से हो भी जाता है, तो आप कोशिश करें, ये जरूर होगा आपसे, ठीक है। अपन आगे चलते हैं, आगे जो है वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपन कहते हैं जो 90, जिनका सम जो होता है 90 होता है, ठीक है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो अपन इसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल काम आते हैं। तो साइन थीटा जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस का, यानी 90 - थीटा। तो ये एक तरह से फॉर्मूले की तरह याद कर लो, या इसको देख लो, अपन ने ऊपर जो ट्रिक बनाई थी ये सेम उससे होगा, साइन का होगा कॉस, सॉरी इसमें नहीं लगेगी ये, साइन का कॉस, टेन का कॉट, और कॉस का सेक का कॉसेक, ठीक है। ये रिवर्स भी जाता है इन दोनों का, इन दोनों का और इन दोनों का, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो स्टिक से अपन को ये ध्यान रहेगा। तो साइन हो गया, अब अपन बात करते हैं टेन की। तो टेन थीटा का जो होगा वो होगा कॉट 90 - थीटा, और तीसरा जो बचा वो बचा सेक थीटा का होगा कोसेक 90 - थीटा। ये केवल यही नहीं होगा, इसमें रिवर्स भी होगा। अगर अपन देखें तो ये जो है ये होगा कॉस थीटा का, क्या होगा रिवर्स, ये हो जाएगा साइन 90 - थीटा। ये दोनों थीटा की वैल्यू सेम रहेगी, ये इंटरचेंज हो सकती है, साइन और कॉस की वैल्यू इंटरचेंज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो कॉट थीटा हो जाएगा टेन 90 - थीटा, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आएगी अगर अपन ऐसे रखें तो। आगे बात करते कॉसेक थीटा इक्वल्स टू सेक 90 - थीटा, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं इसका। तो साइन 25 दिया हुआ है, कोसेक 65 दिया हुआ है, तो साइन 25 को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा, थीटा की जगह दे दिया 25, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 90 - थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस 90 - थीटा। तो साइन को लिख दिया 90 - 25 थीटा, ये मल्टीप्लाई में है कॉस 65 थीटा के, प्लस कॉस 25 है, तो अपन इसको 65 में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए कॉस को कन्वर्ट कर लेंगे इस बार। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 - थीटा, तो साइन 90 - 25 डिग्री इक्वल इनटू साइन 65 डिग्री, ठीक है। अब ये कन्वर्ट होके अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 - थीटा, तो अब ये अपन ने लिख लिया, अब 90 - 25 तो अपन कर सकते हैं ना, ये तो मैथमेटिकल वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये हो जाएगा cos 65 डिग्री इंटू cos 65 डिग्री,
प्लस साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। तो अपन मैक्स में क्या करते हैं, एक्स इंटू एक्स होता है तो उसको अपन क्या लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर। तो ये सेम वैल्यू है ना, कॉस 65 थीटा जो है वो भी सेम होना चाहिए 65। अगर एक जगह 25 होता तो अपन नहीं लिख सकते, क्योंकि थीटा सेम है तो अपन इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, अपन इसमें आगे एक और इसके वो पढ़ेंगे, अपन इसका फॉर्मूला या आइडेंटिटीज जिसको कहते हैं, उससे ये जो है उसमें ये वन हो जाएगा। वो कैसे होगा, ये एक प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है। ये अपन आगे देखेंगे अपने आइडेंटिटीज में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। अपन आगे चलते हैं, और आगे जो बात आती है वो आती है रेसिप्रोकल की। तो रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी का उल्टा कर देना। तो साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है वन अपॉन कोसेक थीटा। ठीक है, सेम ऐसे कोसेक थीटा का उल्टा होता है वन अपॉन साइन थीटा। ये तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन इसको ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो साइन की बात होगी। अब अपन बात करते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल्स टू वन अपॉन कॉट थीटा। अब ये याद करने के लिए जो अपन ने ऊपर देखा था साइन कॉस टेन, उससे ध्यान रखना है, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो ये देखो साइन का उल्टा वन अपॉन कोसेक। ठीक है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है, ऐसे ही ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें एक आइडेंटिटी और बता दूं मैं आपको एडिशनल में, वो काफी काम में आती है। टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सेम एज कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये काफी इजी है और काफी काम में आता है। अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं आगे सॉल्व करके। ये अपन को दिया हुआ है कॉस थीटा इक्वल्स टू कोसेक 23 डिग्री इक्वल्स टू वन। ये डॉट का मतलब इसमें मल्टीप्लाई होता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, अपन इसको इधर ले जा सकते हैं, तो ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आएगा वन अपॉन कोसेक 23 डिग्री। तो वन अपॉन कोसेक थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, अपन इसको लिखेंगे ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 23 डिग्री। अभी भी अपन इसका थीटा नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि ये कॉस में है ये साइन में है। तो अब अपन को लगाना पड़ेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला। तो कॉस थीटा को अपन लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू साइन 23 डिग्री। अब ये तो सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसमें क्या होता है साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाता है, मतलब काटते नहीं अपन, ये हट जाता है। तो अपने पास बचा 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू 23 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 90 माइनस 23 इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू अपन निकालेंगे तो इसका आएगा 67 आंसर। ठीक है, तो 67 डिग्री थीटा का आंसर आ गया अपने। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे रेसिप्रोकल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज करते हैं। अपन आगे चलते हैं, इसका एक मेन जो आता है वो आती है आइडेंटिटीज। अब वो जो मैंने आपको ट्रिक याद कराई थी, ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, ये यहां पर भी काम में आने वाली है, आपको ये सीक्वेंस काम में आने वाली है। तो अपन जो इसकी तीन आइडेंटिटीज होती है वो लिखनी कैसे है मैं बताता हूं आपको। अपन को ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक हमेशा ऐसे ही याद रखना है। तो ये होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, ये सीक्वेंस होनी चाहिए साइन कॉस, फिर उसके नीचे टेन कॉट, और फिर टेन के सामने वाले में सेक कोसेक। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस से याद करने का फॉर्मूला है अपना। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो ये एक जेड बन रहा है, जेड की तरह यूज होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, अब ये आइडेंटिटीज कैसे बनेगी, सब में स्क्वायर थीटा लगा दें। ठीक है, यहां पर आ जाएगा इक्वल्स और बाकी जो बची जगह वहां पे वन वन वन
ये प्लस प्लस प्लस, तो ये जो है ये तीन आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन। जैसा कि मैंने कहा था, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहां पर काम में आइए। ये देखो, ये वाली जो आइडेंटिटी लगाई थी अपन ने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होता है, तो ये आइडेंटिटीज होती है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होती है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन होती है, वैसे ही वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होती है। अब इसको रिवर्स करके भी लिख देते, सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन बचा। तो इसको आगे पीछे करके लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको जो याद करने का है वो अपन को ये चीज सीक्वेंस से याद होनी चाहिए, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये आप तीन से चार बार लिखें, आपको अच्छे से याद हो जाएगी, आप कभी भूलेंगे नहीं। इसको कितना रटोगे, आप रटोगे तो भूल जाओगे, इसको एक ट्रिक से याद कर लो तो आराम से ये सॉल्व हो जाएगी। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, स्क्वायर थीटा लगाना है सब में, इधर इक्वल्स टू आ जाएगा, खाली जगह में वन और बाकी प्लस, ठीक है। तो ये हुई अपनी आइडेंटिटीज, अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, साइन की पावर फोर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको सॉल्व करना है। तो अपन इसमें से देखो, साइन स्क्वायर दोनों में है तो अपन कॉमन ले सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब ये देखो, ये आइडेंटिटी बन रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू अपन को मालूम है कि वन होती है, तो अपन ने पास क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन, तो इक्वल्स टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही अपना आंसर है, साइन स्क्वायर थीटा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन में क्या होगा कि साइन की वैल्यू दे देंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू थ्री अपॉन फोर या थ्री अपॉन फाइव, जैसा कि अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था थ्री अपॉन फाइव, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देनी है, तो थ्री अपॉन फाइव का स्क्वायर कर देंगे नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये तो हुई अपनी बात इनकी कि ट्रिग्नोमेट्री किस किस पे बेस करता है। अब जो एक चीज रह गई है वो है टेबल। टेबल थोड़ी लेंदी है, हार्ड नहीं है, लेंदी है, अपन एक बार समझ लेते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, टेबल जो है वो इन छह एंगल की होती है जो अपन ने देखे हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इनको भी उसी सीक्वेंस से लिखना जो अपन ने याद करा था, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अपन आगे चलते हैं कि इनमें जो है जीरो डिग्री, थर्टी डिग्री, फोर्टी फाइव डिग्री, सिक्सटी डिग्री एंड नाइन्टी डिग्री, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन में वैल्यू देगा, अपन को इनकी वैल्यू पुट करनी होगी, अपन को डिग्री देगा, अपन को वैल्यू पुट करनी है। तो ये डिग्री की वैल्यू कैसे निकालने, तो इसकी ट्रिक होती है, आप जीरो से फोर तक गिनती लिखो, जीरो वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है, डिवाइड बाय फोर कर दो पूरे को। ये अपन साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। जीरो वन टू थ्री फोर लिखना है, डिवाइड बाय फोर कर देना है सबको, और सबका अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। तो ये जो जो कट रहा हो काट ले, ये फोर से फोर कट के यहां पे वन बचा। अब जब अपन साइन थीटा की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, इससे सॉल्व करते हैं, जीरो अपॉन फोर, जीरो अपॉन फोर जीरो ही होता है, तो वैल्यू जो आई वो आई जीरो, ठीक है। वन अपॉन फोर, वन का अंडर रूट जो होता है वो वन ही होता है, और फोर का अंडर रूट, अंडर रूट फोर का होता है टू, तो वन अपॉन टू इसकी वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं, अब यहां पे बचा ही वन अपॉन टू है, तो वन का तो ठीक है आ जाएगा अंडर रूट वन ही, लेकिन ये रहेगा रूट टू, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट थ्री अपॉन अंडर रूट फोर का हो जाता है टू, और वन का अंडर रूट वन ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गई अपने साइन की वैल्यू, ठीक है। अब कॉस जो होता है वो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो कॉस की वैल्यू लाने के लिए इसको रिवर्स लिख दो, वन फिर ये आ जाएगा रूट थ्री अपॉन टू, फिर ये आ जाएगा वन अपॉन रूट टू, फिर ये इधर आ जाएगा वन अपॉन टू एंड फाइनल जीरो, ठीक है। कैसा आया ये, तो अपन ने देख ली साइन की वैल्यू, कॉस निकालने के लिए वन, रूट थ्री अपॉन टू, वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन टू एंड जीरो, ठीक है। तो ये हो गई कॉस की वैल्यू। अब टेन में आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये रहा इधर साइड में, टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा जो होता है वो साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, तो साइन अपॉन कॉस थीटा रखना अपन को, यानी जीरो अपॉन वन, यानी जीरो ही होता है, जीरो अपॉन वन इसको रखेंगे तो वन अपॉन टू अपॉन रूट थ्री अपॉन टू, तो टू से टू कट कैंसिल आउट होके ये बचेगा वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। साइन अपॉन कॉस होता है ना टेन की वैल्यू, तो उससे निकालेंगे, तो यहां पर भी निकालेंगे, तो साइन अपॉन कॉस ये कट के वन हो जाएगा, ठीक है,
ऊपर पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, यहां पर रखेंगे साइन अपॉन कॉस, तो 2 से 2 कट जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो बचेगा अपने पास रूट थ्री। यहां पर थोड़ी दिक्कत है, यहां पर जो है ये आता है 1/0, इसको अपन कहते हैं अनडिफाइंड, इसको हमेशा अनडिफाइंड कहेंगे, बुक में बहुत बार इसको इन्फिनिटी कहते हैं पर जो कि गलत है, इसको अपन अनडिफाइंड कहेंगे, अनडिफाइंड राइट वर्ड है इसके लिए, कभी ऑप्शन में भी आ जाए, ऑप्शन में अगर दोनों आए तो अनडिफाइंड आंसर है, अनडिफाइंड राइट आंसर है, इन्फिनिटी भी इसको बोलते हैं पर राइट आंसर अनडिफाइंड, अगर अनडिफाइंड ऑप्शन में नहीं आए तो अपन को इन्फिनिटी यूज करना है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉट, कॉट जो होता है वो टेन का उल्टा होता है, रिवर्स होता है, तो जीरो है तो 0/1, तो टेन का रिवर्स हो जाएगा, तो या तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लें, ये 1/0 यानी अनडिफाइंड, फिर ये हो जाएगा रूट थ्री, ये वन, ये इधर आके 1/√3 और ये जीरो, तो ये बात हो गई कॉट की। अब अपन बात करते हैं सैक की, सैक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, अपन ने देखा था पहले रेसिप्रोकल में कि सैक जो होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस का उल्टा यानी ये 1/1 ही है तो यहां पर आएगा 1, ये 3/2 है तो ये रिवर्स होके 2/√3 हो जाएगा, ये √2/1 है तो ये √2/1 हो जाएगा, तो 1 यानी √2 ही बचा, ये 2 हो जाएगा, और ये 0/1 होता है तो यानी 1/0 आके इसको अपन अनडिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब कोसेक, कोसेक को निकालने के दो तरीके हैं, एक तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है तो ये अपन इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अनडिफाइन, फिर यह आ जाएगा 2, यह आ जाएगा √2, यह आ जाएगा 2/√3 एंड 1। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक जो होता है कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक थीटा यानी साइन का रेसिप्रोकल, तो 0/1 ये रेसिप्रोकल होकर अनडिफाइन हो गया, 1/2 यानी ये रेसिप्रोकल होके 2 हो गया। ठीक है, ये √2 हो गया, ये 2/√3 हो गया और ये 1 हो गया। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था आज का अपने ट्रिग्नोमेट्री, इसका कैसा क्वेश्चन आता है एक अपन देख लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन सीधे आएगा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कोई आया हुआ है, साइन 30° कॉस 45° अपॉन टेन 60°, ये वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्वेश्चन आएगा इसकी वैल्यू निकालो, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन 30 की वैल्यू होगी ये 30°, साइन तो साइन की वैल्यू होगी, एक मिनट, ये 30° एंड साइन 30° की वैल्यू होगी 1/2, साइन की वैल्यू लिख देते हैं अपन 1/2 इंटू कॉस 45, इसको कंफ्यूज ना होकर ऐसे लिखते हैं इंटू कॉस 45, तो कॉस 45 की वैल्यू होगी 1/√2 अपॉन टेन 60°, तो टेन 60° की वैल्यू होगी, 60° इधर आता है, या ये टेन की वैल्यू √3। ठीक है, ये √3 है, ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2√3 और ये ऊपर जाके हो जाएगा इंटू √3/1, √3 से √3 कैंसिल, तो ये बचा 1/2 इसका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको लगभग सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री का बता दिया है, इसका एक और टॉपिक बचता है जो हाइट एंड डिस्टेंस है, वो मैं अपना एक और वीडियो बनाऊंगा, वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा, तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए, वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया तो, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, थैंक यू।